रखे ध्यान सपनों की उड़ान। ये कहानी है एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसने देश के लिए मात्र 19 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसे शहीद आजम भगत सिंह अपना गुरु मानते थे और जिसकी तस्वीर हमेशा अपने पास रखते थे। ये कहानी है महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा की। चौबीस मई 1896 को लुधियाना के सराभा गांव में जन्मे करतार सिंह सराभा ने क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद करतार सिंह आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। यहां उन्हें एहसास हुआ कि एक पराधीन देश का नागरिक होना क्या होता है, और इस अनुभव ने अमेरिका पढ़ने गए करतार सिंह सराभा की सोच और जीने के मकसद को पूरी तरह बदल डाला। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की, और मात्र 17 साल की उम्र में करतार सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़कर गदर पार्टी की सदस्यता ले ली। वो गदर पत्रिका के संपादक भी बन गए और इस पत्रिका के जरिए उन्होंने देश के नौजवानों में क्रांति की आग जलाई। करतार, रातों रात साढ़े अखबार गदर दिया 1000 कापियां भी तैयार कर दीतिया। थकिया नहीं तू? आजादी के जोश ने मैनू थकन नहीं दिता। जे तुसी मैनू 10,000 कापियां कहंदे तां मैं ओ भी छाप देंदी सी। नवंबर 1914 में करतार सिंह सराभा कोलंबो के रास्ते कलकत्ता पहुंचे। इस दौरान उनकी मुलाकात रास बिहारी बोस से हुई, जिन्होंने करतार सिंह को पंजाब जाकर संगठित क्रांति शुरू करने को कहा। रासबिहारी बोस 25 जनवरी 1915 को अमृतसर आए और करतार सिंह व अन्य क्रांतिकारियों से सलाह कर अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति शुरू करने का फैसला हुआ, और इसके लिए अंग्रेजी सेना में काम कर रहे भारतीय सैनिकों की मदद से सैन्य छावनियों पर कब्जा करने का निर्णय हुआ। इसके लिए सारे भारत में 21 फरवरी 1915 का दिन क्रांति के लिए तय किया गया। 21 फरवरी तक का ही टाइम है, एक ही महीना बचा है, कर लोगे सब कुछ? करतार सिंह ने लाहौर छावनी के शस्त्र भंडार पर हमला करने का जिम्मा लिया। सारी तैयारियां पूरी हो गई, मगर कृपाल सिंह नाम के एक साथी ने गद्दारी की और पुलिस का मुखबिर बन गया। उसने क्रांति की योजना को पुलिस के सामने रख दिया। फिर क्या था, गदर पार्टी के नेता जहां मिले गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेजों ने इसे लाहौर षड्यंत्र नाम दिया। अभियान की असफलता के बाद गदर कार्यकर्ताओं ने अफगानिस्तान जाने की योजना बनाई, लेकिन करतार सिंह ने अपने गिरफ्तार साथियों के पास वापस लौटने का निर्णय किया। 2 मार्च 1915 को करतार सिंह ने लायलपुर पहुंचकर सेना के अफसरों से विद्रोह किया, जहां उन्हें उनके साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। 13 सितंबर 1915 को करतार सिंह और उनके साथियों को लाहौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। उन पर मुकदमा चला और कोर्ट ने 24 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। पकड़े गए सभी विद्रोहियों में करतार सिंह सराभा को सबसे ज्यादा खतरनाक ठहराया गया। जदों तक साडा देश आजाद नहीं हो जाता, ते असीं उस लई शहीद होंदे रहांगे। वतन दी शमा विच परवानियां नूं लोकी सदा याद रखणगे। 16 नवंबर 1915 के दिन करतार सिंह सराभा को फांसी दे दी गई।